न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब। अगेन हम सब आए हैं प्रेरणा के फ्लैट पे, क्योंकि हम लोग गाइस घर पे बहुत बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम लोग प्रेरणा के घर चले जाते हैं। और हम लोग जैसे ही आते हैं, बेचारी हमारी बहन गैस पे चढ़ जाती है, क्योंकि क्योंकि मैं यही खाना बनाती हूँ घर जाके तो बनाती। हाँ गाइस, इसके हाथ का खाना अच्छा होता है, ये वहाँ बनाती नहीं है, तो हमें खाने के लिए यही आना पड़ता है। और अब पास भी है, ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग आ जाते हैं। और चाय किसके हाथ की भी होगी? चाय जीजू के हाथ की। और जीजू बनाना शेक भी बहुत अच्छा बनाते हैं, बट एक ही बार बनाना शेक में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। नहीं यार, पर उसे बनाने का तरीका हो रहा है। हाँ तो आप बनाना शेक बेटा। मम्मी दूसरी चॉकलेट निकाल रही है फ्रिज में से, इसने पहली है अंशु आया, मैं आई हूँ और पुनीत आया, और अभी हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो रहा पुनीत। और अभी बहन खाना बना रही है, फिर खाना बन जाता है तो हम दिखाएंगे। अभी ये पुलाव बना रही है, फिर रोटी सब्जी जीजू के लिए बाद में बनाएंगे। ये सब खाने तो यार, इसने देखना पुनीत, पहले चॉकलेट तूने खाई थी, इसने खाई थी, इसने खाई है ना? नहीं, मैंने ये थोड़ी सी बोल खाई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसे दे दी, फिर इसने खाई। अंशु सबके लिए जायजा, तेरे लिए नहीं है बस, क्योंकि तेज तू रुक ही नहीं सकता भाई। अभी मैं कैमरा बंद करूंगी, फिर भी उठा के तेने खाई लेनी है। ठीक है, खा भी ली। वैसे ये लोग स्पेशली मेरे खाना खाने आते हैं, क्योंकि वहाँ जाके मैं बनाती हूँ, इसलिए तो मैं बना रही हूँ पुलाव। उसके बाद नौ कर दूँ गाइस। ये क्या हो गया, लग रहा पानी चला गया, मेरी तो किस्मत खराब है ना। बहुत ज़्यादा ओवर हो गए, मतलब उसमें भर गए हैं कुकर में, और ऊपर पहनते क्योंकि कुकर मेरे पास छोटा वाला ही है, तो इसलिए। अरे मैं बाथरूम में क्यों जा रही हूँ यार, मैं पागल हूँ क्या? मुझे रूम में जाना है, ओए मुझे रूम में जाना है, मैं बाथरूम में चली गई। तो भाई अंशु देख रहा है टीवी, मजे ले रही है। तो रेडी हो गया, इतने मैं ना सैलेड काट लेती हूँ और रायता वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने मैगडी से ऑर्डर भी कर लिया, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ वेज खा रहे हैं, और यहाँ पे तो वैसे भी हम नॉन वेज बनाते बनाते हैं नहीं, और अभी वैसे भी सावन है तो नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं, तो इसलिए अब हमने मंगाया है वेज में स्पेशल वेज मैगडी बर्गर्स, जो भी अच्छा अच्छा होता है मैगडी से सब मंगाया आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो हम नॉर्मल बर्गर खाते हैं, और फ्राइज मंगाए, और एक मैंने स्पेशल बर्गर मंगाया पनीर ग्रिल्ड, जो मैंने कभी खाया नहीं है, पर आज देखते हैं कैसा होगा और आपको बताऊँगी कैसा। अगर अच्छा होगा तो आप भी टेस्ट करना। आगे मैंने सैलेड यहाँ रख दिया फ्रिज में, इतने ठंडा हो जाएगा, इसकी निकल रही हवा। और आज देखो, आज कैसे पार्क में घास साफ हो रही है, और वो वहाँ मैडम बना रही है रील, रिंग लाइट वगैरह लगा के, ये लोग यहाँ देख रहे हैं टीवी, ये बना रही है रील। सेट पे बन चुका है खाना, पुलाव विद दही एंड अचार, और रायता पिया, जिसे रायता पीना है वो रायता पीना। अच्छा, और गाइस सैलेड की प्लेट निकाल के, और गाइस ये भर दिया पूरा इसने आज कुकर, और हाँ, और सैलेड का है फ्रिज में। सी गाइस, खाएंगे अब। चलो गाइस, पता नहीं है, चलो ठीक है, बना रही है यहाँ पे, और ये सबका खाना लग गया है। पुलाव को बताओ कैसा बनाया, ओए बहुत टेस्टी पुलाव अंशु, हाउ टेस्टी माय खाना, देख रहे हो चीज निकाल रहा है कि बुरा, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। पम्मी सब बढ़िया, ये फोन में बिजी रहते, इन्हें छोड़ो, इन्हें इग्नोर करो, ऐसे ही है, इन्हें फोन में कहना बस। हाँ ठीक है, बुरा है ना, मत खा चल। थे अकेले पार्टी, तो मिट्टू का फोन आ गया, तो उसे पता चल गया कि हम लोग अकेले पार्टी कर रहे हैं, तो उससे सहा नहीं गया कि हम लोग अकेले पार्टी कैसे कर रहे हैं। तो मिट्टू और नितेश जी भी आ रहे हैं, और क्योंकि हम लोग अकेले कर रहे थे, तो मैं कुछ और भी ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। 1000 रुपए का ऑर्डर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि ना ऑर्डर 1000 का नहीं था, ऑर्डर तो ऐसे बस 600 रुपए के आसपास का, पर यहाँ पे डिलीवरी टैक्स ना बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत है यार। 350-400 रुपए डिलीवरी टैक्स ना बहुत ज्यादा। हाँ, पेमेंट ऑनलाइन है। तो गाइस ये ना कुछ ज्यादा ही डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पर अभी हम थोड़ा रुक के खाएंगे, तब तक चावल थोड़ा नीचे हो जाएंगे, फिर दोबारा ऑर्डर कर रही हूँ मैं कुछ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मिट्टू वगैरह आएंगे तो उनके लिए भी चाहिए। क्या हो गया, तुम लोग कर क्यों रहे हो, क्या है, क्या इसमें अब देना है, क्या इसमें कोल्ड कॉफी, हमने बहाना बनाया कि तुम ऐसे करेंगे कि इसमें कुछ है, फिर तुम पियोगे नहीं, हम पी ले। तो मैं तो मांग रहा था, देख पुनीत मुझे दो, कुछ भी नहीं है इसमें, पुनीत ने बोला ऐसी एक्टिंग करके हमने इसमें थूका, तुम पियोगे नहीं, फिर हम पी ले। मैं देख ले, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त हो गया, हमने खोल लिया
अपने बर्गर वगैरह, और ये पम्मी तो हमेशा की तरह फ्रेंच फ्राइज खाते। ओए गुन्नू फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक लिया मंगवाया था, एक मिनट बहन, एक मिनट मंगवाया था ये वाला अपना, मैंने आपको बताया ना ग्रिल्ड पनीर वाला बर्गर, गाइस ये बहुत टेस्टी है, इनका तो 50 वाला है, मेरा 150 वाला। रेडी हुआ देख के सोच रहे होगे कि हम कहीं जा रहे हैं, पर नहीं, हम बुलेट पे वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, क्योंकि मैंने आजकल 2-3 साउंड देखे हैं बुलेट वाले अच्छे। मैं वॉशरूम में हूँ, नीचे हमने स्लीपर्स रख रखी है, एक्स्ट्रा वॉशरूम है ना, तो इसलिए चप्पल ले रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो वॉशरूम में क्या कर रही हूँ, सिंपल एक लिपस्टिक लगाई है बस। बताना वैसे तो ये पुराने ही आप लोगों ने देख रखा है, पर मैंने एक ही बार पहना है अब तक, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। बैक साइड वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि फ्रंट साइड पे बच्चे वगैरह रहते हैं तो फिर शूट कर नहीं पाएंगे, और वहाँ पर थोड़ी लोकेशन अच्छी नहीं है, सब बुलेट पे वीडियो बनाने के लिए यहीं पे देखते हैं कहीं बनाएंगे तो। यहाँ पे भी काम चल रहा है, ये अभी स्टार्ट खड़े हैं, क्यों नहीं बनाओगे तुम भी तो बनाओगे, और मिट्टू वगैरह भी आए नहीं है, तो हमने सोचा इतने शूट बहुत गंदी है, इसने बोला कि डी मार्ट लेके जाएगी, कीवी लेके आना है, बट ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे ले आई और अपनी वीडियोस बनवा रही है पुनीत और मुझसे, और स्कूटी चला रहे हैं हम लोग ये बुलेट पे बैठ बैठ के। भाई देखो कुत्ते लड़ रहे हैं पीछे। अगर पुनीत की हड्डी टूटी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरी बाइक टूटी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी बहन ने बुलेट चलाई ली और मैं ये भागो। तो गाइज मुश्किल से ही शूट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि हम शूट करेंगे दिन में, पर बदकिस्मती से शाम हो गई तो शूट अच्छे से हो नहीं पाया, पर कुछ कुछ करे। अब हम जा रहे हैं हमारे जो पीछे वाला पार्क है ना, जहाँ मैं रोज रील्स बनाती हूँ, तो गुन्नू रील्स बनाएगी वहाँ पे, ठीक है। सारा पानी निकल गया नीचे, अभी साफ करा है, क्योंकि 1.5 किलो और भी छोटे कुकर में भर दी, क्योंकि हमें 7 लोग पराठा भी आज जा रहा है, और ये भर रहे बोटल इधर कहाँ गया, कहाँ गुजरा ये गाइज, इसने पी रखी है इसलिए सजेस्ट कर रहा है, नहीं तू रहने दे तू कुछ प्रैंक ही करे। तो गाइस बड़े लोग आ गए सूट पहन, अभी तो दिए आप तो इतनी तैयार होकर सूट पहन के लेंस लगा के सही, आज वैसे बस घर से प्यार से हो रखी है, आज ये बहुत मन कर रहा था सजने धजने का घर पे ही। और किससे किससे मैच हो रही है, किससे मैच हो रही है, मैंने नए खरीदे हैं बहन, क्या कल ही कल ही तो खरीदे ना कल, पर लगा के घूम रही है घर में, मैं कह रही फिल्टर लगा रखा है, आज ही खोले हैं ये मैंने वो खरीद ली है, ये बात सही कह रहे जी, जो दिखा ले नाम तो बता जी, जो नहीं प्लीज प्लीज जी नहीं, मम्मी मेरे लग जाएगी, मम्मी रहने दे मुंह मत खोल ले रहा, पम्मी निकाल दे निकाल दे निकाल दे, अरे वीडियो बना के कहीं निकाल दे निकाल दे, सुबह से बड़ा पाउडर डाल रही थी, मुझे बंद करवा रही थी, मिर्च में हमने वो थोड़ा डाला था अफीम, अरे सर पानी लेने गए हैं, तालियां बजाओ, चॉकलेट भी, चॉकलेट तो मैंने फ्रिज में भर रखी है, बस तुम्हें बताना नहीं था, अब तो बता दिया। पता है वैसे ये लोग आए क्यों है, ये पम्मी को जुखाम हो रहा था, पम्मी का जुखाम देख रहे हैं ये, ओए पम्मी को जुखाम हो रहा था, पम्मी का जुखाम देखने आया ही पता लेने आया है पम्मी भाई का, तो जुखाम बना दे आलू के पराठे, हम तब तक जीजू से बात कर रहे हैं, गाइस ये पम्मी का पता लेने नहीं है जी, और देखो पम्मी को भेजा है खाना वाना लेने, वैसे ही आए हैं पम्मी का पता लेने, और मेरे पे बनवा रहे हैं खाना, और पम्मी को भेजा है खाने का सामान लेने, और ये आए हैं पम्मी की तबीयत देखने, तो हमें और दुखी करने आए हैं। अरबी की सब्जी यूं का बन रहा है, लहसुन अदरक, वो लहसुन नहीं 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 मिर्च और लहसुन, आज तो फोन भी देखो कितना सारा मंडल है, यूं निपटा रहे हैं, और पम्मी डोसा और चिली पनीर लेके आए हैं, मतलब ऑर्डर करा था हमने, और दूध भी लेके आए हूं, कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए हूं, अभी थोड़ी देर में फिर खाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है। ओके बना रही हूं, जो भी फास्ट फूड आया यही लोग खा रहे हैं, सारे बच्चे वगैरह सर्व कर रहे हैं, यही लोग खा रहे हैं, मैंने सुबह लोग आ गया, वो भी लिया तो
मोमोज बनाए। मोमोज कौन कौन खा रहा है? पनीर मोमोज। ओए मोमोज खा लो। मोमोज खाऊं यार मैं? अजय का अब किसने मार दिया? तूने मेरी अरबी लेके आया, कह रहे मोमोज दूं। मोमोज जैसे लग रहे थे यार। मेरी अरबी दे दो इधर तुम। दो मैगी मसाला लाई हो तो ये देखना पूरा बंडल डाला है। कितने का है? 40 रुपया। देख रहे हो गाइस, ये मैं क्योंकि जब आता ना मैं इससे मैगी मसाला मंगाती हूं, ये पूरा बंडल ले लिया है। अब 2 महीने काम बचेगा ना? बचेगा नहीं? बचेगा बचेगा। और गाइस ये है लहसुन और मिर्च। भाई देख के एक बार में दो डाल नहीं लगे आराम से। ठीक है। और टमाटर का पेस्ट रेडी है, अब इसमें अरबी डाल देंगे। और अरबी डालने के बाद दही डाल देनी है बस। हर बार को आप ये देख रहे होगी क्या है गाइस, एक्चुअली ना मेरी रोटी बनाने की स्पीड कम है और 7 बंदे हैं तो ज़्यादा रोटियां बनेंगी, तो इसलिए मैं पहले ही बेल के रख रही हूँ। 5 बेल लिए, अब और बेलूँगी सारा आटा, उसके बाद एक साथ सेकूँगी क्योंकि मेरी स्पीड बहुत कम है और रोटी बनाने की, क्योंकि पम्मी और मेरी कमी बनती है और रोटी मैं बनाती थी नहीं तो मुझे आदत है नहीं, पर इसलिए आज मैं पहले से पहले बना के रख रही हूँ जल्दी जल्दी। यह खाना अरबी की सब्जी, कल वाले वही आलू है, रोटी दान देखो ऊपर तक भर गया। मैंने 20-22 रोटियाँ, 18-19 रोटियाँ बना दी, गिनी तो नहीं है, याद नहीं है, और अच्छे से साफ कर दिया क्योंकि मेरी नानी रखती हैं किचन बहुत ज़्यादा साफ, और वही बोलती हैं कि रसोई हमेशा साफ रखनी चाहिए, तो किचन आपको मेरा हमेशा हर ब्लॉग में साफ ही दिखता होगा। कुछ बर्तन इकट्ठा खाना खाएंगे फिर एक बार धो दूँगी। और आज ना बाहर बड़ी जल्दी अंधेरा हो गया यार, वो हो गई रात 9 बजे अभी तो शायद, और मेरा खाना भी रेडी है और सैलेड मैंने फ्रिज में रख दिया काट के, तो इन्हें भूख लगेगी तभी खाएंगे इकट्ठे। अभी 12 अंधेरा हो रहा है, शायद 9 बजे अंधेरा हो गया गाइस, 9 नहीं वो 9 बजे मैंने खाना बनाना चालू करा था, 11:30 हो गए, मतलब 2 घंटे हो गए मुझे खाना बनाते बनाते, तो टाइम तो ज्यादा हो गया, अंधेरा बाहर सही हो रहा है। एक गिलास तक नहीं उठाती गर्म, वही तो क्या देख रहा है सपना चौधरी की बताने दे, तो ये पेप्सी शर्मा ऐसे करता हाई हाई, तो आप देख सकते हो मिट्टू को मार रहे थे, मिट्टू ने रेल बढ़ा दी। जीजू पकड़ लो बाल की, हम जीत गए गाइस। जीजू डर दो, जीजू लो बिल्ली पकड़ ली, अब इसके बाद ये तो वैसे ही मर जाएगी। जीजू कह रहे मर जाएगी, पम्मी मिट्टू को फेंकियो बाल। जीजू एक बार उठा के लाओ ऐसे, वो नया खोल लियो, गुन्नू खोलियो इसे दबा के, बाहर फेंको अब करेगी अंजू बैग बैग से बात बैग गाइस, इन्हें पता नहीं क्या हो गया, ये कभी मेरी चद्दर फाड़ रहे हैं। अरे ये बात होगी, अरे ये दिखा, करो जीजू करो ये, तुम आज करवाओगे दंगे। अंजू तू ही कर रहा है ऐसे, देखो छारे छारे मामा माची मीठा। खाना और आपको पता है ये घर वाला खाना वैसे तो हम सब बाहर का खा सकते हैं, सिर्फ 2 बंदों की वजह से स्पेशल बनता है। पम्मी को भी मैं चला लूंगी, एक ये नितेश जीजू, इनकी वजह से स्पेशल मुझे घर का खाना बनाना पड़ता है, और दूसरे ये पम्मी को तो चलो चला लूं पर ये नहीं चलते, फिर ये खाते ही नहीं है। मैंने लस्सी लिया मिट्टू के लिए, और अरे वो मसाले वाली उसे ही पी ले सिंपल। मिट्टू के पूरे माथे पे अंशु ने लिपस्टिक लगा दी, क्या हटाया है बिना मसाले वाली है, बिना मसाले वाली ले, बिना मसाले। तो एक पैकेट को क्या जीरे में भूनेंगे अब, मसल नमक डाल के और मिर्च डाल के ऐसी जीजू सब्जी कैसी बनी? अंशु मिट्टू नहीं खाती बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अंशु इतने ड्रामा मत कर, जीजू कैसी बनी है? बढ़िया
जीजू तुम इस साइड आओ, ये तो खाते ही इनसे कैसे दिन लाए थे ना फाइनली से खोलने चले हैं, पहले दुनिया भर के कैमरे निकल गए, पहले इसकी स्नैप बनेगी, अबे ये तो उससे खुले कांटे से, फिर इसे खोला जाएगा गाइस, जीजू गाने में चलाइयो, तो गाइस खुल रही है ये, अबे नहीं 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 निकाल मत भाई, हमें पीनी है, वो हैवी नहीं है, ये वही है, होती है सिलेंडर, इसका ढक्कन कैसा है ना, हां वो गाइस देख रहे हो इर्द गिर्द लोग बैठ गए, नहीं तो सब पता है, देख नहीं तो देख सब पता, मिठू ग्लास ला, ग्लास ग्लास में पिए क्या, मुझ बोतल में वो ये लकड़ी का ढांचा है जो ये बोतल संभाल के रखेंगे जो लॉन्च में होता है ना, रुक जाओ पुनीत, गाइस देख रहे हो हम लोग, पुनीत ऐसे मत कर यार, ओए पुनीत नहीं, पुनीत नहीं, नीचे गद्दा गंदा हो जाएगा, मैं नहीं हो रही, रुक जाओ, अच्छा ऐसे होती है गाइस देख लो, जीजू आप और जीजू कह रहे मैं करूंगा मैं, दीदी जी की कितनी टेंशन हो रही है, हाय हाय गाइस देख लो सब वो खा ऐसे देखो, अरे 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 राजा बेटा, राजा बेटा अंदर इसके, वो उड़ ना जाए कहीं, मैं चैंपियन की तरह, नीचे गद्दा एक ही है सोने के लिए, अरे वो तो ना छूट जाए आज गाइस, रहन दो पैक पड़ी रहन दो, ओ दुआ तेरी है चम्मक के चल, हम शैंपू यू हिला देंगे तो उड़ती गाइस, ये फ्रूट जूस है और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं कि पता नहीं हम क्या पी रहे हैं, बेरी बेरी है ना, बस हो गया जीजू ने बंद कर दी, जीजू पैक क्यों कर रहे हो आप, इस अच्छा आपके पैक करके खुद खोल के देख लीजिए, करो करो गाइस फ्रूट जूस है बहुत जबरदस्त है, इसके अंदर भी वो है क्या, ऐसे इसके अंदर चैंपियन वाली चैंपियन वाला फ्लेवर डाल रखा है, क्लास ला रहा है, अबे 500 रुपए में तुम्हें चैंपियन दे रहे हैं क्या, मस्त है गाइस, आप भी ट्राई कर सकते हो, 450 रुपए की है बस, बाहर निकली चुईया ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रिंग पी रहे हैं, बॉटल पकड़ के राजी हो रहे हैं जैसे कितनी महंगी दारू पी रहे हैं, ईजू खांसी की दवाई, रात के राज के नहीं, रात के 3 बज गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सो गया, मिट्टू जीजू अंशु पुनीत गुन्नू, गाइस देख लो सारे जिंदा है 3 बजे भी, रात को लाइट बंद होने के बाद 11 बज गए हैं और ये सारे स्कूल बड़े हैं, और ये देखो ये यहाँ पर बंद कर दो पंखा, क्यों तुझे इतनी ठंड लगती है, ये अकेली यहाँ की पड़ी है, वो पंखा बंद करके मैंने चलाया, अब तो कह रही बंद कर दे, इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड, फिर अब मैं बनाती हूँ नाश्ता वाश वगैरह करके, ये क्या हुआ, अच्छा बाहर घास कटती है, तो चलो गाइस बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, आज घर जाएंगे तो अब ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, पर मेरे घर चार जा रहे हैं, मैं घर पे रहूँगी इसलिए, तो टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।